जवाब दे रहे हैं आप अपनी औलाद को बिल्कुल ये बता रहे हैं, इनोसेंट बता रहे हैं, घर में घर उसके बच्चे मार रहे हैं, वो नहीं दिखा आपको? आप वो वीडियो देखिए, अभी आप जो वीडियो देखेंगे, घरों में घुस के आपके बेटे जो टाइगर बता रहे हैं अपने आप को घरों में घुस के मार रहे हैं, समझे? आप देखिए, इंसाफ करिए, आप तो अभी अपनी औलाद को नेक तौफीक दीजिए, और आने वाले जो जनरेशन है ना, आपके पोते पोतियां नाते नवासियां, उन लोगों को ये सबक है कि इस्लाम में किसी को पड़ोस में मुसलमान भाई को तकलीफ है तो जाके मिजाज खुशी करने का है काम है, ना के खतला करने का है काम है। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, MIM जिंदाबाद, हमारी नजर में MIM के साथ है हम लोग, और इंशाल्लाह हमारे जब तक है मुसलमान मोमिन, हम वोट भी MIM को ही देंगे इंशाल्लाह। लेकिन असद साहब, जितना हो सके हमसे आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी कोई फैमिली महफूज नहीं है, ये लोगों से कोई फैमिली हमारी महफूज नहीं है, ये मायों की रातों के हर कोई ये बयान भी देने के लिए आ रहे हैं तो सब दिल में घबराहट सी है। क्यों? हमारे बच्चों पे कल के दिन क्या बार आने वाला है, हमारे बच्चों के सरों पे तलवारा छुरियां नहीं चाहिए। वो माँ के दिल से पूछिए, जो रमजान में आज रमजान के दिन में माँ जो रो रही है, उनकी माँ से अभी मेरी बात हुई, ये चार बहना मेरे घर को आए, बोले कि हमारी माँ का हाल बहुत बुरा है आंटी, खाना नहीं खा रहे, भाई को देख के हमारे बोल गए। वो माँ का ख्याल करिए, आपके आंख में आंसू हो या ना हो, लेकिन जज्बे दिल रखिए, हम मुसलमान मोमिन है, कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, हम सरकार की उम्मत है, हमारे सरकार की उम्मत का अल्लाह वास्ता लेके बोले, हम लोगों के हक में सबसे सही डिसीजन वास्ता लीजिए प्लीज। एज अ रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं अकबर साहब से, असदुद्दीन साहब से, जो जो भी बड़े हैं MLA, जो भी सरकार साहब से, कमिश्नर ऑफ पुलिस से, DCP साहब से, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि ये सख्त स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिएगा और हमारे बच्चों को महफूज करिएगा। क्या दुनिया में ये गलत करने वाले लोगों का दबदबा ज्यादा है, गुनहगारों का आज बोलबाला ज्यादा है, क्या इंसाफ परस्तों का खत्म ही हो गया दुनिया से नामो निशान? अल्लाह वास्ते नहीं, नहीं अल्लाह वास्ते नहीं, बस अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरे, बस हमसे गुस्सा भी हो तो हमें माफ फरमाए। जो भी बोल अभी जावेद फिर रहा है, ऐसा ये क्या जुल्म है? क्या पुलिस आंखें बंद करके बैठी है? और यकीन माने, मैं 1 बजे रात तक पुलिस स्टेशन में थी, मेरे बच्चे को ना जाए, मैं गाड़ी पे से मेरे वालिदा के पास जा रही हूँ, मेरे वालिदा का ऑपरेशन हुआ तो मेरे बच्चे को जबरदस्ती कार में बिठा लिए, इन्हें भी था बोल के, तो रास्ते चलने वाले बच्चों को भी बिठा ले रहे हैं कारों में, तो मैं वहां जाने के बाद क्या देखी कि बच्चे पुकार रहे, अड़ा रहे, कंप्लेंट लियो कंप्लेंट लियो, बच्चा जख्मी है हॉस्पिटल में, वो कॉर्पोरेटर है, वो क्या है, जावेद और जवाद दोनों अंदर आए, जब तक जो हफीज साहब है उन्होंने पुकार रहे कंप्लेंट लियो कंप्लेंट लियो, उनकी कंप्लेंट कोई नहीं ले रहा, जब उन लोग आके कंप्लेंट दिए थे, जब पुलिस वाले कंप्लेंट लिख रहे हैं, तो ये क्या है मालूम, इंसाफ खत्म हो चुका है, गुंडों का बोलबाला बढ़ चुका है। बस इतना कहना चाह रही हूँ पुलिस वालों से कि आंखें खोलिए, आज हमारी औलाद पे तो कल आप लोगों के ऊपर भी है ये निशाना, अल्लाह के लिए संभल जाइए और दूसरों को भी सुकून से जीने दीजिए। आपसे सबसे अदबन गुजारिश है, मेरी बहन को जो मैं हाल देखी हूँ, मेरे भाईजान को मारे घर में घुस के, मेरी बहन के पास में गई, मेरी बहन मोरी में बैठ के बस सोच रहे थे, उनको ढकलम ढकली में नीचे गिरे, एक दिन हुआ था ऑपरेशन, उनको देखने के लिए गए थे हम। असद साहब से गुजारिश कर रही हूँ आके महल्ले का, आप एक मरतबा महल्ले में आइए, असद साहब आप बड़े हैं हमारे, कौसर साहब, असद साहब आइए, आप महल्ले का दौरा कीजिए, आपको हर चीज आपको सामने नजर आएगी, ये लोग कितने शरीफ है। लेडीज आपको आज मैं बोल रही ना, कल जो वीडियो वायरल करे ये लोग, ये लेडीज जो है उनके ही मेंबर्स है, और अल्लाह हाफिज जो भी बोला चले, और शुक्र अदा करते हैं MIM का। MIM।